हेलो प्यारे बच्चों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार वर्मा। चलिए आज हम आपको जो है कक्षा 8 के रैखिक समीकरण से कुछ सवाल आपको बता रहे हैं, ठीक है। कक्षा 8 के बच्चों के लिए जो है कि हम रैखिक समीकरण से सवाल बताएंगे। चलिए देखिए, रैखिक समीकरण, जैसे कि हमारा सवाल है, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दो संख्याओं का योग 95 है, एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए माना एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है तो यक्स प्लस इतना हो जाएगा 15, ठीक। अब दोनों संख्याओं का योग, चूंकि प्रश्न कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 95 है, यानी x प्लस एक संख्या x है, दूसरी x प्लस 15, दोनों का योगफल 95 है, ठीक। x और x को जोड़ देंगे, 2x प्लस 15 हो जाएगा बराबर 95। अब 2x बराबर 95, चूंकि 15 का हम बराबर की उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो -15 होगा। अब इसको 95 में से जब घटाएंगे, 5 में से 5 0 और 9 में से 1 8, ये हुआ 80 हो गया। अब जो है 2x बराबर 2x हुआ। अब जो है यहाँ जब हम x बराबर लेंगे तो 80 बटे 2, 40 दूना 80। अब देखिए, चूंकि पहली संख्या जो कि हमने यक्स माना था वो 40 है, दूसरी संख्या जो कि एक्स प्लस 15 था तो यक्स का मान आया 40 और प्लस 15, 40 और 15 हुआ कितना 55, ठीक है। अब देखिए दूसरा सवाल जो है, पहला सवाल हमारा इस प्रकार है, देखिए दूसरा सवाल है, दो संख्याओं में 5 और 3 का अनुपात है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि है दो संख्याओं में अनुपात 5 और 3 का है, यदि उनमें से अंतर 18 है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, दो संख्याओं में अनुपात, चूंकि दो संख्याओं में अनुपात 5 और 3 का है, 5 अनुपात 3 है, तो हम मान लेते हैं, माना एक संख्या 5x है, दूसरी संख्या को हम 3x मान लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्नानुसार चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 18 है तो एक संख्या हमारा 5x है और दूसरी संख्या 3x है, दोनों का अंतर कितना है 18। आप 5x में से 3 निकाल दिए, 2x बराबर 18 हुआ, x बराबर 18 बटे 2, 2 9 18, x बराबर कितना आया 9, यानी एक संख्या हमारा 9 है, एक संख्या x बराबर 9 और दूसरी संख्या, चूंकि दूसरी संख्या को हमारा x की जगह 9 आया
चूंकि हम एक संख्या माने थे कितना 5x, कितना 5x, 5 ऐसे रहेगा चूंकि x का मान 9, 9 बचे 45 हुआ, और जो दूसरी संख्या है उसको हम 3x माने थे, 3 गुणते 9 यानी 9 3 27, ठीक है। अब जो है यानी कि हमारा एक संख्या 45 है, दूसरी संख्या 27 है। देखिए एक बार फिर से देखिए, दो संख्याओं में 5 और 3 का अनुपात है। अब हम मान लेते हैं कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या 3x है। चूंकि प्रश्न कह रहा है कि दोनों में अंतर 18 का है, तो हम पहली संख्या में से दूसरी को घटाएंगे तो 18 आएगा। चूंकि 5x में से 3 निकाल लिए, 2x बचा, और यहाँ जब x बराबर लेंगे तो ये भाग में होगा, तो 2 से 18 में भाग दिए तो 9 आया। अब पहली संख्या हमने 5x माना था, 5 है, x की जगह हम 9 रख दिए, 9 5 45, फिर यहाँ 3 है, x जगह 9, 9 3 27 हुआ। अब चलिए जो तीसरा सवाल है वो देखिए, तीसरा हमारा है तीन क्रमागत। देखिए तीसरा जो सवाल है, तीसरा सवाल है तीन क्रमागत पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीन क्रमागत संख्या कि योग 51 है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, जब संख्याएं क्रमागत हैं तो उनमें एक का अंतर होता है, ठीक है। अब चलिए माना तीन क्रमागत संख्या, मान लीजिए एक संख्या x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तीन क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योगफल 51 है, ठीक। अब यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसे पहली संख्या उसके बाद दूसरी संख्या और प्लस तीसरी संख्या, तीनों का योग जो है वह 51 है। अब 1 2 3 x और 2 और 1 3 बराबर हुआ 51, 3x बराबर 51 माइनस 3 हुआ। चूँकि यहाँ पर 51 में से 3 घटा देंगे वो आ जाएगा कितना 48, ठीक है। x बराबर 48 बटे 3, 3 से काटेंगे ये हो जाएगा 16 16 3 48। अब जो है पहली संख्या x बराबर 16 हुआ, दूसरी संख्या हमने x प्लस 1 माना था, 16 प्लस 1 हो जाएगा यानी 17। तीसरी संख्या हमने x प्लस 2 माना था, x 16 और प्लस 2, 16 और 2 कितना हुआ 18, यानी वह संख्याएं 16 17 और 18 है, ठीक है। अब हमारा चौथा जो सवाल है, देखिए देखिए चौथा सवाल है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7 और 5 का अनुपात है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ठीक है। अब चलो देखो, हम मान लेते हैं, माना कक्षा में कुल x विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब चूंकि विद्यार्थियों में अनुपात 7:5, ठीक, यानी बालकों की संख्या, बालकों की संख्या 7x है
बालिकाओं की संख्या पांच एक्स है, ठीक है। अब जो है बालिकाओं की संख्या में अनुपात है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं से आठ अधिक है, यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार चूंकि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से आठ अधिक है, तो यदि हम बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या को घटाएं तो हमारा आठ शेषफल बचेगा, ठीक है, क्योंकि ये आठ अधिक है। सात में से पाँच एक्स निकल गया, दो एक्स बराबर आठ, एक्स बराबर आठ बटे दो, दो चौके आठ, एक्स बराबर आया चार। अब हम बालकों की संख्या निकालेंगे, बालकों की संख्या, बालकों की संख्या आया सात एक्स, सात गुणते चार, सात चौक अट्ठाईस। बालिकाओं की संख्या है पाँच एक्स, तो पाँच गुणते चार, पाँच चौ बीस। अब कक्षा में कुल बच्चों की संख्या, कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ये हो जाएगा 28 प्लस 20 8, यानी कि 48 बच्चे कक्षा में कुल है। कुल बच्चों की संख्या कितना है? 48। चलिए एक बार सवाल को फिर से देखिए। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में 7 और 5 का अनुपात है, यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो हम मान लेते हैं चूंकि विद्यार्थियों में 7 और 5 का अनुपात है, तो बालकों की संख्या 7, बालिकाओं की संख्या 5, चूंकि दोनों में बालक जो है वह बालिकाओं से 8 अधिक है, तो यदि बालक की संख्या में से बालिकाओं की संख्या घटाएं तो 8 शेष बचेगा क्योंकि 8 अधिक है। अब 7x में से 5 निकल गया, 2x हुआ, जब x बराबर लेंगे 2 बटे में आएगा, 2 चौके 8, यानी अब हम बालकों की संख्या निकालेंगे जो कि 7x है। 7 ऐसे रहेगा, x की जगह 4, 7 चौ 28 हुआ। बालिकाओं की संख्या जो है वह 5x है, 5 ऐसे रहेगा, x की जगह 4, 5 चौ 20 हुआ। कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 28 और 20 मिलाकर कुल 48 बच्चे हुए, ठीक है। अब जो है कक्षा 8 से रैखिक समीकरण का और जो सवाल अभी शेष है उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो है कि बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक। धन्यवाद।